नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जदयू के बीच में अब तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार के साथ ही केंद्र में बीजेपी और जदयू एक साथ सरकार में है। बिहार में तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू आमने सामने होती दिख रही है। देश में 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया है। इसी बीच बीजेपी ने अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी को आड़े हाथे लिया है। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि जदयू से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव में भूल से ही जदयू को वोट मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बीजेपी के का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर बीजेपी और जदयू अलग अलग है, यानी कि दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे में जदयू स्वतंत्र है, जनता दल यूनाइटेड कहीं से भी चुनाव लड़ ले, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गौरतलब है कि जदयू ने असम और बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात कही है। पार्टी के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जदयू के बारे में कहा तो यह भी जा रहा है कि जदयू बंगाल में 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके ही सहयोगी दल भाजपा को होगा, जिनके सहयोग से नीतीश सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। रामकृपाल यादव ने आगे बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को लूटने का काम किया है, यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया। बंगाल की जनता बीजेपी की सरकार बनवाने का मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। बंगाल में हम लोग सोनार बंगाल बनाने का काम करेंगे। पिछले साल यानी कि साल 2020 में जदयू और बीजेपी ने कर्नाटक और गुजरात में एक साथ चुनाव लड़ा था। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन जदयू विपक्ष में है। पिछले दिनों जदयू के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया गया था, जिसके बाद से बीजेपी और जदयू में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पिछले साल बीजेपी और जदयू ने दिल्ली और झारखंड में अलग अलग चुनाव लड़ा था। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की इकाई कम से कम 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और यह संख्या नेतृत्व के मंजूरी मिलने पर बढ़ सकती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पहले ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हम इस बार भी ऐसा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने मालदा, सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुरा और नंदीग्राम जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उन जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आशान्वित है जहां बिहार से आए लोगों का प्रतिशत अधिक है। बलियावी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की चर्चा आसपास के राज्यों में हो रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी और जदयू के किसी भी बड़े नेता का यह बयान नहीं आया है कि बंगाल चुनाव में किस तरह से पार्टी आगे लड़ेगी। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक के साथ चुनाव मैदान में होगी या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेगी। चुनाव भले ही बिहार से बाहर हो रहे हों, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बिहार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।